हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कश्यप। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक बुक की जिसका नाम है जीत आपकी। दोस्तों ये मोटिवेशनल बुक है और आपको इसको पढ़ना चाहिए, उन स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए या उन स्ट्रगल लड़कों को पढ़ना चाहिए जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दोस्तों इस बुक में रीड कर रहा था, मैं पढ़ रहा था तो एक लाइन जो बहुत ही अच्छी लाइन है वो मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसे वे हैं, बल्कि वैसे दिखती हैं जैसे हम हैं। We see things not the way they are, but the way we are। दोस्तों ये रियल है, हमारे देखने का नजरिया ही चीजों को हमारे हिसाब से ढाल देता है। किसी इंसान को हम देख कर हमें लगता है कि वो इंसान बुरा है तो उसकी बुराइयां हमें दिखने लगेंगी। अगर किसी इंसान को देखें और हम बोलें कि इंसान अच्छा है तो उसके जो अच्छे गुण होंगे, जो उसकी अच्छाइयां होंगी वो हमें दिखेंगे। तो दोस्तों उस एक ऐसी ही कहानी है इसमें, यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं। उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे ही देखते हैं। ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे नियत हमारे हमारे दूसरों हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही नियत भी अच्छी मान लेते हैं। दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नियत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नियत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों का इरादा भी बुरा मान लेते हैं। तो दोस्तों इस शिव खेड़ा जी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, मोटिवेशनल बुक है, तो आपको पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है, मोटिवेशनल बुक है, आप इसको एक बार खरीदिए, पढ़िए, बहुत मजा आएगा, आप मोटिवेशन से भर जाओगे। तो आपको किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देख लीजिए बुक जीत आपकी। तो दोस्तों नाइस, मैं बुक की एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं ये बुक को पढ़ रहा हूँ और इसकी जो अच्छाई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसका एडवर्टाइज या कुछ भी ऐसा, बहरहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये बुक पढ़ सकते हैं मंगाकर, मोटिवेशनल है और आपको लाइफ में जीने का तरीका सिखा देंगे। चीज़ें हैं ऐसी इस बुक में जो बहुत मज़ा आता है पढ़ के। तो दोस्तों इस बुक के पढ़ना मत भूलिएगा और भाई के चैनल से बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, रेड बटन को दबाइए, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे हमको तभी हम आगे जाएंगे।